नमस्कार दोस्तों, फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली डीडीए भर्ती के लिए एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करते हैं। सात प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आज एट प्रैक्टिस सेट की टर्न है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से, आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछें। तो आइए सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। फर्स्ट क्वेश्चन, ह्रस्व स्वर संख्या में कितने हैं? ह्रस्व स्वर संख्या में कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी, 4। कितने हैं? 4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात स्वर की हो रही है, तो स्वर क्या होते हैं? जो ध्वनियाँ बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित हों उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। जो ध्वनियाँ बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित हो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। अब देखिए दोस्तों, कितने, एक तो होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। अब देखिए दोस्तों, स्वर के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर। क्या? ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर। देखिए दोस्तों, जो ह्रस्व स्वर है जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। और जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। देखिए दोस्तों, जो स्वर है, अभी मैंने बताया, वैसे तो हम जनरली स्वर के दो भाग पढ़ते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, और एक होता है पलुत स्वर। ये कई सारे वर्णों के कॉम्बिनेशन से बना है। अब देखिए दोस्तों, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और जो ये मैंने बताया पलुत स्वर, ये क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना का समय लगता है, जैसे कि ओम। ये कई वर्णों से मिलके बना है ना, ये है पलुत स्वर। अब स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11, जिसमें से ए, ई, उ और री, री ऋषि, ये सारे क्या है? ये तो है ह्रस्व स्वर। और आ की मात्रा जिसमें आ जाती है, मात्रा जिसमें आ जाती है, आ, ई, उ, ए, ए, औ, ये सब क्या है? ये है दीर्घ स्वर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में ही जो है वर्ण के बारे में ही बात हुई है, तो आप बताइए भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण। क्या है? वर्ण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पारा, पारे का दूसरा नाम क्या है? हमें बताना है पारे का दूसरा नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्विक सिल्वर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्विक सिल्वर। देखिए दोस्तों, पारा यानी कि मरकरी, और अभी मैंने इसका दूसरा नाम क्या बताया? क्विक सिल्वर। इसका सिंबल क्या होता है? Hg। क्या होता है? Hg। इसका एटॉमिक नंबर होता है 80, और इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 200.592। देखिए दोस्तों, ये 2000 BC से पहले ही खोजा जा चुका है। ये माना जाता है कि इसको एंशंट चाइनीज इंडियंस ने खोजा था। ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या अर्थ है? कि जो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी सब शेल के अंदर जाता है। और देखिए दोस्तों, ये पोस्ट ट्रांजिशन मेटल है। क्या है? पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, और इसका कोई भी एलोट्रोप नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? पौधे के, आई होप आप सभी ने केसर देखा होगा, या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने केसर का पौधा ही नहीं देखा है। केसर देखा है पर केसर का पौधा नहीं देखा है। तो बताइए दोस्तों, पौधे के किस भाग से हमें केसर प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा पुंग केसर। क्या हो जाएगा? पुंग केसर। देखिए दोस्तों, ये जो इमेज है ये केसर के पौधे की है, केसर के फूल की है, और ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये इसका पुंकेसर है, जिससे हमें क्या मिलता है? केसर मिलता है। देखिए दोस्तों,
जो केसर का साइंटिफिक नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में, रेलवे में तो पक्का पूछा जाता है और डीडीए में भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्या है? क्रोकस सेंटाइवस, सेटाइवस, कोकस सेटाइवस, ये केसर का साइंटिफिक नेम है। केसर को और किस नाम से जाना जाता है? कि कुमकुम, जफरनामा, सेफ्रोन। और ये अगस्त सितंबर में बोया जाता है और अक्टूबर दिसंबर तक इस पे फूल आ जाते हैं। ये एक एंजियोस्पर्म है और एक बीजी फूल है, ये एक बीजी केसर जो है वो एक बीजी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हुवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? हमें बताना है हुवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। देखिए दोस्तों, ये मैप में आपको, ये वर्ल्ड के मैप में यहाँ यहाँ क्या है? हुवाई द्वीप, ये आपको दिखा रखा है हुवाई द्वीप। हुवाई द्वीप की कैपिटल क्या है? होनेलुलु। क्या है? होनोलुलु। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ब्रह्मांड का अध्ययन? कॉस्मोलॉजी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। देखिए दोस्तों, टेबल में आपको दिखाया गया है द्रव्यमान और उसके ऊपर क्या आवेश होता है। अब देखिए, पहले अभी बात हुई थी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। और इसके ऊपर कितना, क्या, कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, ये इसका सिंबल है। और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 9.108 × 10⁻³¹ kg। इस पर ऋण आवेश होता है। अब बात हो रही है प्रोटोन की, इसके अंदर भी एक ही 1+1 चार्ज होता है, पर इस पे, यानी कि ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है। और जो न्यूट्रॉन है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो ये न्यूट्रल है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है −1.67 × 10⁻²⁷, और जो न्यूट्रॉन है उसका भी इतना ही होता है। ये उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूबल। क्या है? ऑप्शन बी, रूबल। रूस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। देखिए दोस्तों, ये वर्ल्ड मैप के अंदर यहाँ ये जो है, ये रूस यानी कि रशिया है, अभी आधा यूरोप के अंदर पड़ता है और उसका कुछ हिस्सा एशिया के अंदर पड़ता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? यूरेशिया। और इसकी कैपिटल क्या है? मॉस्को। और यहाँ की करेंसी क्या बताई अभी मैंने? रूबल। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कौन है, रूस के राष्ट्रपति कौन है। और यहाँ की संसद का नाम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बहुत एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? देखिए दोस्तों, जो 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति को ही सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, 1857। और ये कब शुरू हुआ? 10 मई। कब शुरू हुआ? 10 मई से लेके ये 8 जुलाई 1959 तक चला। स्टार्ट कब हुआ? 10 मई 1857, और एंड कब हुआ? 8 मई 1959 को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किस फसल को हरित सोना के नाम से जाना जाता है? किस फसल को हरित सोना के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चाय। किसको? ऑप्शन ए, चाय को। और ये चाय कहाँ पाई जाए? सबसे बड़ा उत्पादक चाय का कौन है? चीन। और इंडिया में कौन है? असम।
अब मैंने ये बताया है आपको, अब मुझे आपने बताना है मुझे कहाँ की चाय को जीआई टैग दिया गया है। ये पिछले लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कहाँ की चाय को जीआई टैग दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। अब देखिए दोस्तों, ये जो गुप्त वंश है इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, और इनकी जो कैपिटल थी, राजधानी, समुद्रगुप्त की, गुप्त वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, और गुप्त वंश वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। किसने की थी? श्रीगुप्त ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, नाजीवाद का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? नाजीवाद का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिटलर। कौन था? ऑप्शन ए, हिटलर। देखिए दोस्तों, इमेज में ये जो दिखाए गए हैं ये हिटलर थे, इनकी पार्टी का नाम था नाजी, तो ये नाजीवाद के सबसे बड़े समर्थक थे। इनका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। क्या था? एडोल्फ हिटलर। और ये जर्मन के थे। कहाँ के थे? जर्मन के थे। और इनका जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। कब हुआ था? 1889 को। और इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन में। कहाँ? बर्लिन, जर्मनी के अंदर हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? आप सभी को पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पता होगा, 5 वर्ष के लिए जो विकास कार्य कराए जाएंगे वो उन सब के लिए एक योजना बनाई जाती है, प्रथम वो पंचवर्षीय योजनाएं। पहले ये योजना आयोग के द्वारा बनाई जाती थी, अब ये नीति आयोग के द्वारा बनाई जाती है। आप बताइए मुझे, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कृषि। क्या हो जाएगा? पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को। देखिए दोस्तों, ये कुछ तथ्य हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में, वो आप देख लीजिएगा। ये किसके द्वारा बनाई जाती है? ये राष्ट्रीय योजना है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा कार्यान्वित होती है। पहले, अब योजना आयोग की जगह किसने स्थान ले लिया है? नीति आयोग ने। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 8 दिसंबर 1951 को। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? 1951 से लेके 1956। क्या रहा? 1951 से लेके 1956। कार्यकाल भी बहुत बार पूछ लिया जाता है पंचवर्षीय योजनाओं का। देखिए दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। और योजना का आकार कितना था? 2069 करोड़। इसका क्या विकास लक्ष्य क्या था? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का लक्ष्य 2.1% निर्धारित किया गया था, और वास्तविक कितना हुआ? 3.0%। और इस परियोजना में कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि उस दौरान खाद्यान्नों की कमी गंभीरता का चिंता का विषय थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पे प्राथमिकता दी गई? कृषि पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? इस वर्ष का 2019 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया, बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा रवीश कुमार, भारतीय हैं ये, रवीश कुमार को दिया गया। देखिए दोस्तों, इस साल यानी कि 2019 में रवीश कुमार के अलावा भी कुछ लोगों को ये दिया गया था। ये दिखाए गए हैं एक म्यांमार से, थाईलैंड से, फिलीपींस और साउथ कोरिया, इन्हें भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। एशिया के नोबल के नाम से इसको जाना जाता है। क्या जाना जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया का नोबल। ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पे दिया जाता है, और 1958 से इसकी शुरुआत हुई। विनोवा भावे को भी 1958 में ही रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रकांत माली किससे संबंधित हैं?
चंद्रकांत मालिक किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेटलिफ्टिंग। किससे संबंधित है? वेटलिफ्टिंग से। देखिए दोस्तों इमेज में ये जो है ये चंद्रकांत माली है। ग्लासगो स्कॉटलैंड 2014 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे कॉमनवेल्थ गेम, उन्होंने उसमें उन्होंने 94 kg भार वर्ग में कांस्य जीता था। क्या जीता था? कांस्य। ये कौन है? चंद्रकांत माली। अब चल इस क्वेश्चन से हमें इतनी ही जानकारी मिलती है। देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उन्हें DDA भर्ती के बारे में सिलेबस की जानकारी चाहिए, अगर उस पर भी हम वीडियो जल्द लेके आने वाले हैं। अगर आपको किसी भी भर्ती के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए सिलेबस के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो आप हमें हमसे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।